गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। ये बमसूंठ और बैंगन है, ये कश्मीर में बहुत पसंद किया जाता है। कश्मीरी पंडित इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बमसूंठ और बैंगन। ये बमसूंठ और वांगन है, इसे कश्मीर में बहुत पसंद किया जाता है, ये हमें बहुत अच्छी लगती है। अब मैं बमसूंठ को पील करूंगी। इसे आप इसके छिलके के साथ भी बना सकते हैं, पर मुझे पील करके अच्छा लगता है। ये जो बीज है ये निकालना है आपको। मैं इनको चार हिस्सों में काटती हूँ। ये बैंगन है, इनको फूलो बैंगन बोलते हैं, बहुत छोटे हैं। ये भी मैंने जम्मू से ही लाया है। इसको दो ही हिस्सों में काटती हूँ। मैंने इसमें बमसूंठ पॉश करके रखे हैं, पील करके रखे हैं, और ये बैंगन भी धोए हैं। बैंगन इसमें 250 ग्राम्स है और बमसूंठ आधा किलो है। मैंने इनको इस साइज़ में काटा है, देखिए इस साइज़ में पील करके काटा है, और बैंगन को दो दो हिस्सों में किया है, और ऐसे फुल रखेंगे, फुल ही तोलेंगे। इसमें मैंने तेल डाला है, इससे चार टेबल स्पून है, इसको मैं गरम करने को रखूंगी। तेल गरम हो गया, मैं इसमें पहले बैंगन फ्राई करूंगी। बैंगन फ्राई होकर देखिए ऐसे ऐसे ब्राउन होने चाहिए, तो मैंने ये निकालती हूँ। ये ऐसे फ्राई होते हैं। अब इसमें बमसूंठ डालूंगी। बमसूंठ फ्राई हो चुके हैं, इतना मैंने इनको फ्राई किया है, मैं ये निकालती हूँ। मैंने इसमें नया लॉट डाला है, फ्राई हो रहा है। सारे बमसूंठ फ्राई हो चुके हैं, तो ये कढ़ाई से मैं आधा तेल निकालती हूँ बाहर। ये कढ़ाई में मैंने चार टेबलस्पून डाला था। अराउंड तीन मैंने बाहर निकाल दिया इसका, और एक इतना सफिशिएंट है। दो स्पून मिर्ची पाउडर,
मैं इसमें दही भी डालती हूँ, 4 स्पून दही, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते तो मत डालिए, और इससे अच्छा टेस्ट आता है। एक स्पून सौंफ पाउडर, आधा सौंफ पाउडर, आधा हल्दी, ये हींग का पानी है 2 स्पून, पानी 1 ग्लास, आधा लीटर पानी है, स्वाद अनुसार नमक, और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी फ्राइड। इसको मैं एटलीस्ट 15 मिनट उबालूंगी, उसके बाद में बैंगन डालूंगी। अगर बैंगन पहले डालेंगे तो वो पूरा टूट जाते हैं, नरम हो जाते हैं। मैं इसको ढक कर 15 मिनट पकाऊंगी। 15 मिनट से ये उबल रहा है, ये ठीक है, इसको बहुत नहीं गलाना है। मैं इसमें अब बैंगन, फ्राइड बैंगन डालती हूँ। एक हरी मिर्ची काट के, आधा ग्लास पानी, ताकि ये बैंगन इमर्स हो जाए और इनके अंदर रस चला जाए। इसको और 10 मिनट में पकाती हूँ। बमचूट और बैंगन की सब्जी अब तैयार हो गई है, ये 10 मिनट से उबल रहा है, ये देख लीजिए, रेसिपी गाढ़ा हो गया, ये भी नरम हो गया। तो मैं अब गैस बंद करती हूँ, तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरी सब्ज़ी बमचूट और बैंगन कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।